हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं शीबा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी स्पेनिश एग बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही आराम से ये बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी इसे बनाया जा सकता है या आप लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। इसे आप रोटी पराठे पूरी के साथ में भी खा सकते हैं या फिर इसे आप ब्रेड के साथ में भी बहुत मजे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी मनपसंद सॉस चटनी के साथ में खाएं और इसका मजा लें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। स्पेनिश एग बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और मैंने इसमें ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। प्याज हमारी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई है, तो अब हम डाल देंगे अपने आलू। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ। आलू हमने मीडियम साइज के लिए थे, यानी कि ज्यादा बड़े नहीं लिए हैं और मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में कट किया है। इसे हम थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। मीडियम फ्लेम हमने कर दी है। इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर और बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है नमक ताकि हमारे आलू भी थोड़े से सॉल्टी हो जाए। इसे हमने वापस ढक दिया है ताकि ये थोड़ा से और गल जाए। जब तक हमारे आलू हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 अंडे लिए हैं जिन्हें मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। इसमें हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नमक। नमक इसमें कम ही डालते हैं क्योंकि नमक अंडे में नहीं तो तेज हो जाता है और नमक थोड़ा सा हमने आलू में भी डाला है। इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ हमने मीडियम साइज का एक टमाटर लिया है जिसे बीच से हाफ कर लिया है और इसके बीच में से सारे सीड्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसे हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि आलू हमारे काफी हद तक गल चुके हैं, देख सकते हैं। इसे हमने बीच बीच में 1-2 बार खोल के चलाया है, थोड़ा उलट पुलट कर दिया है ताकि हमारे एक साइड से जल ना जाए और अब आलू हमारे गल गए हैं। इन्हें हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमने आलू ले लिए हैं, अब हम इसमें अपने बीट किए हुए एग इसमें डाल देंगे। ये हमारे एग हैं, जो हमारे पास टमाटर के हमने बीज निकाले थे उनको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, वो हमने इसी एग में मिक्स कर लिया है। अब ये सारा मटेरियल हम अपने आलूओं में डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि हमारे आलू और एग सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने अपने पैन में दोबारा से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लिया है और अब हम इसमें अपने एग इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी है और हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ मैंने कुछ ले रखी है हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं। 2 हरी मिर्चें बड़ी साइज की थी उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1 टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये भी हम इसके ऊपर पूरे में डाल देंगे। ये हमने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है और अब मैं इसका लिड बंद कर देती हूँ और इसे हमें 3-4 मिनट तक किसी पोजिशन में पकने देना है। एक साइड से अंडा बन गया है, अब हम गैस ऑफ कर दी है मैंने और इसके ऊपर मैं ऐसे प्लेट रखूंगी और इसको पूरे को मुझे पलट देना है अपनी प्लेट के ऊपर। ये मेरा इधर से सिक गया है, प्लेट पे मैंने ले लिया है और अब इसे मैं वापस अपने पैन में डाल दूंगी इस तरह से और इसे अब हम ढक देंगे और इसे फिर से हमें 2-3 मिनट इसी पोजिशन में पका लेना है। अब हम हटा के देखते हैं तो हमारा अंडा हो चुका है। वापस हमने इस पर प्लेट रख दी है और इसे अब हम पलट देंगे। इस पे कपड़ा रख के इस तरह से हम पलट देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा कितना मजेदार, कितना यम्मी स्पेनिश एग बनके तैयार हो गया है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही लजीज। तो इसे आप अपने लंच डिनर में भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी इसे आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे इसी तरह से कट करके खा सकते हैं, इस तरह से आप कट कर सकते हैं इसको और आप चाहें तो ब्रेड के साथ में भी इसे खा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप इस तरह का स्पेनिश एग बनाएं जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।